हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम बाबा 247 के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस त्यागी, ठीक है, स्वागत करता हूं आपका एक सीधी बात के नए क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए बेटा, दिया हुआ क्या था आपको पता ही होगा बच्चे। इस सेगमेंट में हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन के नए नए क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा दिया हुआ है 29 की पावर 2x बराबर 1595, 55 की पावर 2y बराबर 1595, और बेटा इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, इसका वैल्यू बेटा आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आसान बनाते हैं इस सवाल को। ठीक है, एक आसान बनाते हैं बच्चे इस वाले सवाल को थोड़ा सा। आइए बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप समझना बच्चे, बिल्कुल 29। तो बेटा दिया हुआ था बच्चे 29 की पावर बेटा 2x, 29 की पावर बेटा 2x बराबर दिया हुआ है 1595, और बेटा 55 की पावर 2y बेटा बराबर दिया हुआ है 1595। आसान सवाल है, लेकिन बच्चे को अगर सही अप्रोच ना पता हो तो बेटा बच्चा यहीं पे फंस जाता है। अब बेटा आपने एक रूल तो पढ़ा ही होगा बचपन में, क्या बेटा x की पावर a बराबर अगर मान लो y हो तो बेटा x बराबर क्या होगा बेटा, y की पावर 1/a। बोलो यस, ये बच्चे सबने पढ़ा है। पावर जब बेस चेंज करती है, साइड बदल देती है, तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो इनवर्स में चली जाती है। तो बच्चे यहां से इसका मतलब बेटा मैं लिख सकता हूं 29 बराबर किसके बच्चे, 1595 की पावर 1/2x। किसी को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 55 बराबर होगा मेरा बेटा 1595 की 1/2y। तो दोस्तों यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक आप समझ गए होंगे। और अब एक चीज बच्चे जो आप ऑब्जर्व करना चाहते थे, आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए थी, एक बात पे आप ध्यान दीजिए। मेरे पास बेटा दो वैल्यू है, 29 की भी और 55 की भी। मेरे पास बेटा 29 का मान पता है, 29 का मान है 1595 की पावर 1/2x, और बेटा 55 का भी मान पता है। अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बेटा x और y में पूछा हुआ है। तो बच्चे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा 29 गुणा 55 करके अगर आप सोचेंगे, बेटा अगर आप सोचेंगे 29 गुणा 55, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, 29 पंजे 145, 5, 29 पंजे 145 बेटा 5, 14 हो गया, 29 पंजे 145 और 14 159, तो बेटा ये तो 1595 ही आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। 29 गुणा 55, तो बच्चे 29 गुणा 55 का वैल्यू कितना है बेटा, 1595 ही है। बोलिए, तो बेटा मैं लिख सकता हूं 29 का वैल्यू 1595 की पावर 1/2x। बहुत छोटा सा सवाल है, बस मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं एक एक स्टेप तोड़ के। ठीक है, 1/2y बेटा मैंने 29 की जगह 29 का वैल्यू रख दिया, यहां से 55 की जगह बेटा 55 का वैल्यू रख दिया, और बेटा ये 1595 के बराबर ही है। और आप जानते हैं बेटा कि बेस सेम होता है तो पावर्स बेटा चे आपस में जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपका 1595 की पावर 1/2x प्लस 1/2y, और बेटा बराबर 1595। अब बेटा दोनों तरफ बेस समान है, बेस से बेस कट जाएगा, बेस से बेस कटेगा कि नहीं कटेगा बोलो। यस कटेगा, आप जानते हैं। और यहां पे बेटा 1595 की पावर कितनी है, 1, तो बेटा बेस से बेस कट गया, तो यहां से आ गया आपके पास 1/2x प्लस 1/2y बराबर किसके आ गया बेटा, 1, और बेटा यहां से आपके पास आ गया 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, या तो एलसीएम ले लो या फिर बच्चे ऐसे ही कर लेना इसे। ठीक है, एलसीएम ले लिया बेटा 2xy, तो बच्चा यहां से आ गया आपके पास x+y बराबर का 2xy। कैसे आया बेटा, आप समझ गए, 2xy मैंने एलसीएम लिया तो यहां y और यहां x, और 2xy बेटा इधर चला गया, तो बच्चे मुझे किसका वैल्यू पता चल गया बेटा, x+y का वैल्यू 2xy। कैसे लिया, सबको समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने यहां पे 2xy एलसीएम लिया है। अब आते हैं बच्चे उसके सवाल पर, जो सवाल उसने पूछा था अब उसकी बात करते हैं। बेटा उसने आपसे पूछा था
उसने आपसे पूछा था ये सवाल, ठीक है बेटा, उसने आपसे पूछा था बेटा ये सवाल, ठीक है, x प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई। अब बताओ बेटा x प्लस वाई का तो वैल्यू मुझे पता है, x प्लस वाई का तो वैल्यू पता है, x प्लस वाई का वैल्यू है 2xy। तो बच्चे जब x प्लस वाई, चलो ऐसे इसे लिख लेता हूं, ठीक है, इसे बेटा ऐसे लिख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस का 6xy और 4xy तो है ही, और बेटा माइनस कॉमन ले लूंगा, बेटा माइनस कॉमन ले लूंगा तो बेटा यहां भी x प्लस वाई ही बचेगा। और बताइए अब आपको x प्लस वाई का वैल्यू 2xy पता है कि नहीं, तो बेटा x प्लस वाई की जगह, x प्लस वाई की जगह बेटा यहां पे क्या रखूंगा, 2xy, तो 2xy 6xy कितना बनेगा बेटा 8xy, ओके। और बेटा जब यहां पे 2xy रखूंगा, x प्लस वाई की जगह बेटा 2xy रखूंगा, तो 4xy में से 2xy जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा 2xy, और बेटा xy से xy कट गया और 2 से बेटा कितना 4, तो बेटा इसका आंसर आ गया बच्चे आपका 4। लीजिए एक आसान सवाल, एक बढ़िया सवाल, ठीक है, जो आपके लिए था। अब इसी तरीके से आप, इसी तरीके से सबको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से बेटा आप इसे भी कर सकते हैं, देखिए सेम सवाल बिल्कुल इसी तरीके से। अब बच्चे इसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कर लेते हैं, अब डायरेक्ट समझते हैं, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा। 65 बराबर आएगा बेटा 1950 की पावर 1/x, डायरेक्ट इस वाले स्टेप से 65 बराबर इतना, और बेटा 30 बराबर आएगा बेटा 1950 की पावर 1/y। फिर वही बात है, अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो बच्चे 65 गुणा 3 बराबर होता है बेटा 195, ये आ गया इसका वैल्यू बेटा वही फिर 1950 की पावर 1/x, और बेटा इसका वैल्यू है 1950 की वैल्यू 1/y, और बेटा ये तो 1950 है ही, बेस सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से। तो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, 1950 की पावर 1, दोनों तरफ का बेस सेम है, बेस से बेस कट गया, 1/x प्लस 1/y बराबर किसके आ गया बेटा 1, तो बेटा x प्लस वाई एलसीएम लेने के बाद किसके बराबर आ गया बेटा xy, उठा के बच्चे यहां पुट कर देना, ठीक है, उठा के यहां बेटा पुट कर देना, ठीक है, यहां पर x प्लस वाई प्लस का 4xy और बेटा 2xy माइनस का x माइनस का y, ठीक है, और इसे थोड़ा सा लिखना चाहो तो बेटा x प्लस वाई प्लस का 4xy तो है ही, और बेटा x 2xy माइनस कॉमन ले लोगे तो बेटा x प्लस वाई का वैल्यू बेटा xy, तो ऊपर आ गया बेटा 5xy, और बेटा जब यहां xy रखूंगा तो नीचे आएगा बेटा xy, कट गया आंसर बेटा कितना 5। तो बच्चे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है बच्चे, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन सीधी बात के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।